सुरुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, इसमें पूरी तरह से लीज वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है कि हम कम्प्लीटली आजाद हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आइए नवाब नादिर-ए-दीन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। बताइए रुचि जी। देखिए, पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया। क्या बोला तूने? नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही है? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही है, 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, लेकिन नहीं, तुम्हारे उन्हें काट रहे हैं। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के, किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, समझ रहे हो ना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 3 days later, विगत दिनों झांसी में 24 अक्टूबर को लल्लन टॉप के द्वारा एक शो किया गया, और उनकी उस बात को फिर से एक बार आपके लोगों के सामने रखूं कि वो जो बात उन्होंने कही थी वो बात क्या थी, वो ही बताएंगी, और वो बात उन्होंने क्यों कही थी, किस इंफॉर्मेशन के सोर्स से कही थी, वो खुद ही इस बात को स्पष्ट करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम रुचि पाठक है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। जैसा कि सबको पता होना चाहिए कि जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। लेकिन उस दिन जब मैं भी उस शो को देख रहा था, तो अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पे थे,
तो आपको पब्लिक और मैं भी खुद एज अ व्यूअर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में सुन रहा था, वो देख रहा था, तो वो मतलब आप प्रवक्ता नहीं थी, आप ऐसा बोल रही हैं? जी हाँ, ये मैंने पहले भी चैनल वालों को बताया था कि मैं ललन टॉप वालों को ये बात आपने बताई थी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूं। जी हाँ, उनको पता था, और वैसे भी एक चैनल वालों को ये पता होना चाहिए कि प्रवक्ता का पद होता कहाँ है। ओके, विशुद्ध लड़के हो तुम, चुप रहो। जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम हो। मैं वहाँ पर केवल मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का अनुसरण करने के नाते ही वहाँ पर उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ही अपना पक्ष रख रही थी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि भाई बीजेपी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अलग अलग शब्दों के रूप में अलग अलग मीम्स बना के उसको शेयर कर रहे हैं, तो अब शायद उनको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि भैया जो वो वीडियो में आप उसको प्रवक्ता बता रहे हो, वो कोई प्रवक्ता नहीं है। क्या बदतमीजी। अब आगे की बात करते हैं। आपने जो बात बोली थी कि हमारा जो देश है जो आज़ाद हुआ है वो लीज पे हुआ है, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने खुले स्टेज से, मतलब लगभग 500-600 लोग वहाँ पे थे, उन लोगों के सामने अपनी बात कही, तो वो आपका सोर्स क्या था और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई। देखिए, मैंने ये बात इस बात के आधार पर कही थी जबकि गौरव जैन द्वारा, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी नेहरू ने दिलाई है। ओके। तो क्या केवल आज़ादी नेहरू ने ही दिलाई है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी तो नेहरू ने अकेले नहीं दिलाई है, तो क्या कांग्रेस ये नहीं मानती है कि और जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है? उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरी आज़ादी नहीं दिलाई है। जैसे कि एक दीपक राठी जी हैं जो हिसार हरियाणा के, रोहतक हरियाणा के हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी और सरकार से जवाब मांगे थे, जो कि आप देख सकते हैं कि आरटीआई में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। देखिए, इसमें ये कहा गया था, उन्होंने, दीपक राठी जी ने, जो आरटीआई नंबर भी आप देख सकते हैं, आरटीआई में ये कहा था कि 14 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, 16 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, भारत कब आज़ाद हुआ, भारत किससे आज़ाद हुआ, 25 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, 27 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, ब्रिटिश लोग देश का शासक कब बने, इसी तरह के उनके कुछ सवाल थे जिनके जवाब भारत सरकार द्वारा, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देने के लिए बाध्य हैं, उन्होंने नहीं दिए। इसके बाद राठी जी ने इसकी अपील की, अपील की भी कोई रिप्लाई नहीं मिला उनको, उन्होंने सेकेंड अपील की। उसके बाद CIC ने इनके लिए नोटिस जारी किया, जो कि ये है साथ में, कि आप इनको RTI दीजिए, पर इसके अलावा उन्हें कुछ RTI नहीं मिली। के? अब तो सच बोल दे के? नहीं तो इसमें लीज वाली बात कहां पर है? इसमें पूरी तरह से लीज वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है कि हम कंप्लीटली आजाद हैं। इसमें पूरी तरह से लीज वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है कि हम कंप्लीटली आजाद हैं। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, हाँ। इसके बाद अगर हम आजाद हैं तो 1953 में राजनारायण जी द्वारा भारत सरकार से यह पूछा गया था कि हमारी स्थिति, मतलब भारत के नागरिकों की जो परिस्थिति है, वो ब्रिटिशर्स के सामने क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भारत सरकार ने राजपत्र पर लिख के ये दिया कि आज भी उनके कानूनों के लिए हमारी स्थिति, जो लीगल वैल्यू है, वो हम उनके ही प्रतिनिधित्व कर, उनके ही लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर, उनके ही लोग हैं। चल बस, बुलाएगा क्या? इस तरीके से ये जो राजपत्र, इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि उनके ही लोग हैं या उनके ही, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं या फिर जिनके ही रूल्स हैं, उनके ही सारी चीजें आप उनको, हाँ, बता रही हैं। अच्छा, मतलब उनके ही लॉज से हमारा जो भारतीय नागरिक होंगे वो गवर्न करेंगे। कुल मिलाकर ये बात जो आपने कही लीज वाली, वो आपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका दिखा दिया आपने। जी हाँ। अब मुझे आप ये बताइए, आपका फाइनल कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट राजपत्र पर या फिर अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दे कि ये जो भ्रम फैला हुआ है आम जनता में, ये दूर हो जाए कि भाई हम कम्प्लीटली आज़ाद हैं, हम कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं हैं, ना ही हमारे कोई रूल्स, उनके रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और NRTI के जवाब दे दे, इनके जवाब क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये आपने देखा कभी? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।